इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वो राज्यपाल को नए मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे और कई दिनों की माथापच्ची के बाद चन्नी के नए मंत्रिमंडल पर कांग्रेस हाईकमान की मोहर लग चुकी है। चन्नी मंत्रिमंडल पर बड़ी खबर यह है कि कैप्टन सरकार के 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। वो सभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बताए जाते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कैप्टन के 5 करीबियों का पत्ता काट दिया गया है और गवर्नर से राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वो नए मंत्रियों की लिस्ट गवर्नर को सौंपेंगे और इस तरह से आलाकमान से इजाजत मिलने के बाद ये मुलाकात करने पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर से मुलाकात करके वो नए मंत्रियों की लिस्ट गवर्नर को राज्यपाल को सौंपेंगे और कैप्टन के 5 करीबी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। जो कैप्टन के करीबी थे उनको जगह नहीं मिली है नए मंत्रिमंडल में। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, कौन कौन से खास चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और वो 5 कौन है जो कैप्टन के करीबी है जिनकी छुट्टी कर दी गई है? देखिए हुसैन, अगर 5 करीबियों की बात करें तो जिसमें धर्मसोत जो है उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था, जो SCVC का जो घोटाला हुआ था उसको लेकर उनकी छुट्टी हो सकती है। उसके अलावा जो गुरप्रीत कांगड़ हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो और भी कई नाम हैं जिनकी यहाँ पे छुट्टी जो है, कैप्टन जी के काफी केबी थे राणा सोडी हैं, उनकी छुट्टी यहाँ पर की जा सकती है। और ब्रह्म महिंद्रा का नाम, हालांकि पहले उनका उप मुख्यमंत्री के लिए नाम आया था लेकिन उनका नाम उस समय हटवा दिया गया था, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस सूची में उनका नाम बहरहाल अभी है कि उनको कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बलबीर सिद्धू जो कि हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी भी छुट्टी जो है वो माना जा रहा है कि हो सकती है। अरुणा चौधरी जो है उनको कैबिनेट जगह मिल सकती है, पहले जा रहा था कि उनको हटाया जा सकता है। तो ऐसे ये तमाम नाम है जिनकी जो कैबिनेट मंत्री थे पहले, लेकिन इस मौजूदा जब से निजाम बदला है उसके बाद इनकी जो छुट्टी है वो यहाँ पे हो सकती है। चलिए इंतजार करते हैं, कुछ वक्त के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन ये तय है कि कैप्टन के जो करीबी है उनका पत्ता कट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।